मैं हिंदुस्तान का वाहिद चतुर्वेदी हूँ जो किताबों का हवाला देकर बोलता हूँ और डंके की चोट पर बोलता हूँ। ओम पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमादिच्छते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमाशिष्यते। ओम शांति 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 शांति। एको देवः सर्वभूते सगुणः सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्षः साक्षी चेता केवलो निर्गुणः। गणेशं चरणमशी शमनम शशांकं चरणमशी शमनम पर्वतं चरणमशी शमनम गंगाजलम स्नानम पंडितम गौदानम स्वाहा। कल्की अवतार न्यारपंतम पृथ्वी मध्यम उर्वशिक्चारतम तलवन स्वानम नमलजीयम पशुपपनम तपस्यम वीरम महावीर गुरुम प्राणम प्रादीपम सोमति। विष्णुवेशम स्वरूपम असुमा सुगुमारुहा देव दत्तम जगतपति असिना साधु अष्ट अष्टर्ज गुणवती ग्रीघलील गंधा अति ज्योति मै प्रकाशम नतमस्तक भूमिष्ठम प्रभु गुणगानम नाप बुरीता लीड गच्छ दीन प्राक्रम पवित्रम गंगा स्नानम मति पवित्रम पवित्रम पवित्रम। और एक पंडित है लोगो हैदराबाद का रहने वाला गए वो कोई मौलवी नहीं गए वो कोई मौलाना नहीं गए वो कोई टोपी और जुब्बा लगाने वाला नहीं गए बल्कि वो एक पंडित है पंडित नाम है पंडित सोमनाथ वर्मा। वो पंडित जब चलता गए एक हाथ में त्रिशूल रखता गए एक हाथ में छोटा सा लोटा रखता गए माथे पे चंदन का टीका गए। वो पंडित जब चलता गए तो राम राम बोलता गए लेकिन जब जबान खोलता गए तो मुस्तफा मुस्तफा बोलता है। और वो पंडित कहता गए लोगों सारा जग छोटे तो छूटे सारा जग छोटे तो छूटे दया धर्म मत छोड़ सारा जग छोटे तो छूटे दया धर्म मत छोड़। और जिसने किया गए जग की रचना जिसने किया गए जग की रचना उससे नाता जोड़ उससे नाता जोड़। और बन के मनुष्य आ याग जग में बन के मनुष्य आ याग जग में क्यों तू गया ये भोर। और ये जग सेवन की फुलवारी जिसका मनुष्य है फूल लोगो जिसका मनुष्य है फूल। और पंडित ने आगे लिखा अपने मानने वालों से कहा लोगो माटी की मूरत को पूजे माटी की मूरत को पूजे जिसमें नहीं है जान। और जिस मूरत में जान का प्यारे जिस मूरत में जान का प्यारे उसका करे अपमान जमाना उसका करे अपमान। और चलती फिरती यह मूरत है चलती फिरती यह मूरत है मालिक की पगे चांद। और जिसने मनुष्य से प्रेम किया गए जिसने मनुष्य से प्रेम किया गए उसकी बड़ी है शान लोगो उसकी बड़ी है शान। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब जरा सुनिएगा इस्लाम मजहब का सबसे पहले जरा सुनिएगा अल्लाह ऊंचा बोले हमारा अकीदा है अल्लाह एक है। हम सबसे पहले कलमा पढ़ते ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अल्लाह के सिवा कोई माबूद अल्लाह एक है अल्लाह। शहादत की उंगली को उठाकर बताओ लोगों ताकि ये उंगली गवाह हो जाए ये शामियाना गवाह हो जाए ये गाय घट्टा की जमीन गवाह हो जाए ये उलमा गवाह हो जाए जहां भी बेड़ा पार हो जाए मरने के बाद आप जन्नत के हकदार हो जाए। सुभान अल्लाह अल्लाह ऊंचा बोलो अल्लाह एक है। और ऊंचा बोले अल्लाह एक है। कोई दलील अगर मैं कुरान से दलील दूं
अल्लाह ने फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ए महबूब आप फरमा दीजिए अल्लाह एक है, पाक है, बेऐब है, न माँ है, न बाप है, न औलाद है, जो इन चीजों से पाक पवित्र साफ है वही हम सब का खुदा है, पाक है। सुभान अल्लाह। आप कहेंगे ये तो कुरान मजीद की दलील है, ये मेरे हाथ में किताब है रामायण, देखें ये मेरे हाथ में क्या है, ये रामायण किताब है, मैंने कवर चढ़ा दिया है इसलिए कि उसमें कुछ फोटो वगैरह बना हुआ है। ये क्या है मेरे हाथ में, रामायण। अगर कोई कहे सबूत मांगे मोइनुद्दीन कादरी, देखा एक मंत्र मैं पढ़ता हूँ रामायण से। रामायण का बाल कांड है, पेज नंबर 71 है, ये मेरे हाथ में किताब है, मैंने निशान लगा दिया है, रामायण किताब है, पेज नंबर 71 है, इसे आप देख लें। अब जरा गौर से सुनिएगा, अल्लाह ऊंचा बोले, अल्लाह एक है, एक है। एक बुढ़िया थी, बुढ़िया चरखा चरखा चरखा। उन लोगों को बोलने वरना इन नौजवानों से तो मैं ऐसे ही परेशान हूँ। जानते हैं इधर भी सांप, इधर भी सांप, इधर भी बीच में रखता लाल कर लेता है। हाँ हाँ एकदम लाल, दूर से देखिए तो लगता है इंसान नहीं, लगता है मुर्गा का पूंछ, देखिए। हाँ इसको भी अगर खड़ा कर लेता है, हाँ लगता है पेट का सारा गैस इधर से निकल रहा है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा लोगों, ये हंसने की बात है नहीं है। आपने कभी सोचा है क्या, आप तो आला हजरत के मानने वाले हो, आप तो मखदूम सिमना से मोहब्बत करने वाले हो, आप तो ख्वाजा गरीब नवाज के मस्ताने हो, आप तो आशिक मुस्तफा कहलाते हो, आप तो इमाम हुसैन के मानने वाले हो, कभी आपने सोचा है क्या, क्या ऐसा चेहरा किसी मुसलमान का होता है। आप तो मुसलमान हो, आप तो इमाम हुसैन से मोहब्बत करने वाले को, आपका लिबास बताना चाहिए ये मुस्तफा का दीवाना चल रहा है, आपका बोलना बताए ये मुस्तफा का दीवाना बोल रहा है, आपका चलना बोलने का तरीका बताए ये मुस्तफा का दीवाना बोल रहा है। लोगों अगर आप सच्चे हुसैनी हो तो जरा याद करो, करबला के मैदान में इमाम हुसैन ने अपने मानने वालों को ये पैगाम दिया था, ओ दुनिया वालों और मेरे चाहने वालों, मेरे नाना के उम्मतियों, याद रखना जान देने की बारी आए तो जान दे देना, लेकिन शरीयत के खिलाफ उठने वाली आवाज को कभी उठने ना देना, और शरीयत के खिलाफ किसी काम से कभी समझौता नहीं करना। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। एक बुढ़िया जो चरखा चला रही थी, चरखा चला रही थी, एक नौजवान आ गया और आकर कहने लगा, ए बुढ़िया ये बता अल्लाह है या नहीं है, अल्लाह है या नहीं है। अब वो बुढ़िया अपने चरखा को देखती है, एक नजर उस नौजवान को देखती है, फिर चरखा को देखती है और कहती, ओ नौजवान अल्लाह है। कहा के दलील, वो कहती ये चरखा, कहा वो कैसे, ये चरखा कैसे दलील। वो नौजवान ने जब इतना कहा है, वो बुढ़िया बोल पड़ी है, ओ नौजवान जरा सुन ले, ये चरखा इस तौर पे दलील है, ये रोजाना सुबह से लेकर शाम तक मैं चरखा चलाती हूँ, इतना बड़ा चरखा मैं चलाती हूँ तो चलता है, इतना छोटा सा अगर मैं ना चलाऊं तो ये चरखा अपने आप नहीं चल सकता है। कहा क्या मतलब, कहा मतलब ये है, वो बुढ़िया बोल पड़ी, मतलब ये है जब ये छोटा सा मैं चलाती हूँ तो चलती है, ना
चलाओ तो नहीं चलती है, ये चरखा बताता है कि मैं चलाओ तो चले। तो जब इतना छोटा सा चरखा बगैर चलाने वाले के नहीं चल सकता, तो फिर इतनी बड़ी दुनिया, इतनी बड़ी कायनात अगर कोई चलाने वाला ना हो तो बगैर चलाने वाले के ये दुनिया कैसे चल सकती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब जरा सुनना। फिर नौजवान ने कहा, फिर नौजवान ने कहा, इसलिए तो मैं कहता हूं ये सब चीजों की जरूरत नहीं है। फिर नौजवान ने कहा, ए बुढ़िया ये बता अल्लाह एक है या दो? अल्लाह एक है या? ऊंचा बोलो अल्लाह एक है या दो? जब इतना का वो बुढ़िया फिर चरखा को देखती है, कहने लगी अल्लाह एक है। अल्लाह वो नौजवान का दलील कहा कि यही चरखा। कहा वो कैसे? कहा के सुनो सुनो ये चरखा गए, मैं चलाती हूँ तो चलती गए, और अकेली अगर मैं चलाती हूँ तो इसका धागा सीधा सीधा निकलता गए, और दो लोग मिल के जिस दिन चलाए इसका धागा टेढ़ा हो जाता गए। ये चरखा बताता गए अगर इसको मैं अकेली चलाऊं इस छोटे से चरखा को, इसका धागा सीधा निकले, दो लोग चलाने लगे इसका धागा टेढ़ा हो जाए। तो सुनो सुनो जब ये चरखा इतना छोटा सा अगर दो लोग मिलके चलाए तो इसका धागा टेढ़ा हो जाए, इतनी बड़ी दुनिया का चलाने वाला अगर दो मालिक होगा इस दुनिया का निजाम बिगड़ जाएगा। ये चरखा बताता है इस दुनिया का चलाने वाला, इस दुनिया का मालिक कोई और नहीं है बल्कि वो एक है और वो अल्लाह है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो एक है। भाई रामायण मौजूद है, श्री रामचरित्रमानस मौजूद है।